पुरानी इंडियन गैस एजेंसी के सामने खड़े हैं जी। एक हफ्ते से हमें गैस नहीं मिल रही जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं जी, इसके विरोध प्रदर्शन में खड़े हैं जी। ना कोई अधिकारी फ़ोन उठाता है, ना सही से जवाब देता है, ना ही गैस मिलती है जी। ब्लैक में सिलेंडर बाहर मिल जाते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ पे आते हैं जी, हफ्ता हफ्ता लाइन में लगे रहते हैं, कोई गैस नहीं हमें मिल रही है जी। और आप लेडीज से चाहे पूछ के देखो जी, वो कैसे सिर पे सिलेंडर लेके उठा के आती हैं जी। आप लेडीज से बात करके देखो, आप अपनी समस्या बताइए, क्या कह के आप बताओ ना, क्या कह के भेज दिया जाता है। बरसात का मौसम है, चुप चुप बरसात के मौसम में इतनी मुश्किल हो रही है, सिलेंडर तो मिलना चाहिए ना। गैस में गुजारा होता है, रोटी ऊपर है ऊपर, बुढ़ा बंदा किथे रहे। ठीक है, इंडियन गैस लिखे लिखे हुआ इंडियन गैस एजेंसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद इंडियन गैस एजेंसी के अधिकारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गैस दो, गैस दो, सभी को गैस दो जी, गैस दो, गैस दो, गैस दो। आज यहाँ मुझे दूरभाष पे जैसे ही पता लगा कि रायपुरानी में गैस की किल्लत करके कुछ लोगों ने यहाँ पे जाम लगाया मौके पर, और सूचना मिलते ही मैं मौके पर पहुँचा और जाके लोगों से बातचीत की। बातचीत करने से लोगों ने पता लगा कि लोगों को यहाँ पे कई दिनों से यहाँ पे सिलेंडर की प्रॉब्लम करके इनको दिक्कत आ रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही प्रॉपर, जिस बारे में DFSC से बात की गई। और DFSC ने अपनी दूरभाष में मुझसे यही बताया कि सिलेंडर का जो मेन प्लांट से ही इनको सप्लाई नहीं हो पा रही, गाड़ी नहीं आ पा रही है। और दोनों इंस्पेक्टर से भी मौके पर बात की गई और DFSC ने ये एश्योरेंस दिया है कि कल मॉर्निंग में उन्होंने सीनियर अधिकारियों से भी प्लांट मैनेजर की बात करवाई है और शी हैज़ गिवन एश्योरेंस कि कल सुबह तक गाड़ियां, दो गाड़ियां आएंगी, जिससे जितने भी लोग हैं जिनकी पर्चियां काटी गई हैं उनको सिलेंडर की सप्लाई कर दी जाएगी। और साथ ही उनको ये भी कन्वे किया गया, क्योंकि कई लोगों ने बीच में ये भी बताया कि होम डिलीवरी के चार्जेस भी उनसे इसमें लिए जाते हैं, तो आगे दोनों जो कंसर्न इंस्पेक्टर्स थे मौके पर उनको ये भी बताया कि हिदायत दी गई है कि भविष्य में यदि होम डिलीवरी के आप चार्जेस ले रहे हैं तो आप उनको घर पर सिलेंडर सप्लाई कीजिए, मतलब उनको लोगों को यहाँ आके कुछ परेशानी का सामना